प्यार फर्स्ट से फरार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है, थोड़ा क्वर्की भी है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं आपसे? आपको कैसी लगी ये टाइटल? बहुत ही क्वर्की लगी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पे कहा। थैंक यू सो मच। प्यार भी है इसमें, फरार भी है, तो इस इन दोनों एस्पेक्ट को, एलिमेंट्स को कैसे जोड़ते हैं आप? क्या इस कहानी के साथ ऐसा टाइटल देख रहे थे कि जो कहानी को भी आगे लेके जाए, जो एक लाइन में सबको एक कहानी भी समझ में आ जाए? तो कुछ कहानी को रिवील करने के लिए काफ़ी कुछ रिसर्च किया गया, काफ़ी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में इस तरह का आइडिया को सुनाया गया, बच्चों से डिस्कस किया गया, तब जाके ये टाइटल को सेलेक्ट किया गया, ताकि एक यूनिक टाइटल है, कहानी के साथ जाए भी, दोनों चीज़ें थी, तो ऐसे ही टाइटल आया। एंड मेरे हिसाब से लाइक इससे अच्छा टाइटल हो नहीं सकता है, क्योंकि जैसे आप किसी बच्चे से पूछते हो कि आप बताओ कि A4 क्या होता है, A4 एप्पल, B4 बॉल, बट P से क्या? P से प्यार। सो ये नया एक्सपेक्ट लाता है जो कि फिल्म के लिए, और एक यूथ से कनेक्टेड ये एक जो टाइटल है फिल्म का, सो इसलिए हमने ये चुना। कल किसी पेपर में किसी ने मुझे व्हाट्सअप किया था, जिसमें था कि प से प्याज, फ से फ्यूल, प्याज और फ से फ्यूल दोनों का जो रेट बढ़ रहा। काफ़ी कनेक्टेड है ये। आप नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, डिस्कस थ्रो में आप माहिर हैं, वहाँ से हटकर एक्टिंग में आना, ये जर्नी कैसी रही, इस फिल्म में आना कैसे हो? वैसे तो बचपन से ही मेरा शौक था कि बड़े पर्दे पे अपने आप को देखूं, और बट कभी इससे पहले मौका नहीं मिला मुझे, क्योंकि आई एम फ्रॉम हरियाणा, और वहाँ आप सोच सकते हैं कि एक थोड़ा सा तो है, बट इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है एज अ एक्टर। एंड इवन सो मैं एज अ एथलीट ही प्रैक्टिस कर रहा था फॉर नेशनल गेम्स, और उसी दौरान इन द मीन टाइम सर को एक ऑडिशंस ले रहे थे सर, एक लड़के के लिए जिसकी हाइट अच्छी हो, और उस कैरेक्टर में मैं फिट हुआ। सो जो स्पोर्ट्समैन हो, हाँ, जिसको आती हो करेक्टर का डिमांड, बिल्कुल। सो आप कह सकते हैं बाय लक, और जो भी था इसके लिए मैं चूज हो चुका हूँ इस फिल्म के लिए। उसमें प्रॉब्लम यह था कि मेरे लिए बाकी कास्टिंग करना कोई डिफिकल्ट नहीं था, कि एक बार जिमी सर को स्क्रिप्ट दिया, सिंगल मीटिंग में ओके हुआ, कुमो सर एक बार में, संजय मिश्रा एक बार में, गिरीश कुलकर्णी किसी से, क्योंकि कहानी इतनी अच्छी लिखी गई थी कि एक मीटिंग हुआ, एक नरेशन हुआ, स्क्रिप्ट पढ़ा उन्होंने। लेकिन जो लड़के का, 18 साल का लड़का चाहिए आपको, इंडस्ट्री में नहीं है कोई 18 साल का, जिसकी अच्छी हाइट हो, जो स्पोर्ट्स जानता हो और एक्टिंग भी आता हो, थोड़ा बहुत एक्टिंग भी आता हो। तो इस सिलसिले में मैं चंडीगढ़, दिल्ली, उज्जैन, इंदौर, लखनऊ, कानपुर, काफ़ी ऑडिशन करने के बाद से एक मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि रोहतक में एक ग्राउंड है जहाँ काफ़ी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं जेवलिन से लेकर के उसका, और बगल में FTI का ब्रांच है जहाँ पर वो एक्टिंग का कोर्स भी करते हैं। फिर मैं वहाँ गया, इनके बारे में उसने बताया था कि उसकी अच्छी हाइट है और वो हरियाणा से ही लड़का था। फिर इनसे मुलाकात हुई तो इनको भी लगा भी कौन कैसे, फिर इन्होंने मेरे बारे में गूगल में सर्च किया, और देन हम लोग मिले, मैं इनको जानना चाहा कितना इच्छुक है, क्या है, और देन बातों बातों में फिर उस तरीके से हुआ, फिर स्क्रिप्ट दिया, पढ़े हम लोग, दूसरे लोग मेरे लिए करेक्ट लगा इन्होंने, फिर आगे हम लोग मूव ऑन किए। सेट पर आने के बाद से एक्टरों को डाउट था, फर्स्ट टाइम एक्टर है कैसा करेगा, मैं भी बहुत ज़्यादा बता नहीं रहा था। पहला शॉट हुआ, और उससे पहले एक दिन आकर के इन्होंने शूटिंग देखा था कैसे किस तरीके से कहाँ क्या, और उसके बाद से पहला टेक ओके हुआ तो सारे एक्टरों ने बोला कि यार ये तो एक्टर है, मैं बोला आपको क्या लग रहा था? ऐसे आपने कैसे प्रिपेयर किया इस रोल के लिए, क्योंकि इस जो कहानी है उसमें आपको एक स्पोर्ट्समैन होना जरूरी है और एक रोमांटिक बॉय का भी किरदार बखूबी निभाना जरूरी है, तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को, एलिमेंट्स को आपने कैसे निभाया? बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, एथलेटिक पार्ट तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल था नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए एक डेली रूटीन का काम था कि स्पोर्ट्स में जो हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं सारी चीज़ें मुझे पता था। बट जो एक सोनू का कैरेक्टर है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो है, बट वो एक आप कह सकते हैं सोसाइटी का जो सो कॉल्ड एक लोअर कास्ट का लड़का है, वो उस टाइप का लड़का है जो जिसकी बैकग्राउंड से वो ज़्यादा कुछ रिच फैमिली से नहीं है, वो एक नॉर्मल सी गरीब फैमिली से है। सो उस रोल के लिए मुझे काफ़ी प्रिपेयर करना पड़ा था, एंड सर ने काफ़ी मुझे समझाया कि कैरेक्टर किस टाइप का है वो सोनू, कि एक लड़की से प्यार तो कर बैठता है बट उसे ये भी पता होता है कि वो लड़की एक बड़ी कास्ट में है, उसकी फैमिली में, कि वो कभी कह सकते हैं आप मिल नहीं पाएंगे, तो काफ़ी प्रिपेयर करना पड़ा। तो इनको मेरी पहली मीटिंग बोला था कि आपको एक्टिंग नहीं करना है, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरे साथ जो भी एक्टर काम करते हैं कि उनको एक्टिंग नहीं करना पड़े, अपना करेक्टर को सही तरीके से निभा जाए, और वही लोग करते हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपने एक करेक्टर किया है उसको करेक्टर को प्ले करना है। मेरे साथ जैसे आपको बताया मैंने कि इसमें प्रॉब्लम यह है कि पहले प्यार का परसेंटेज बहुत कम हुआ करता था,
बहुत कम हुआ करता था, क्योंकि लड़का बहुत हिम्मत जुटाने के बाद लड़की को आई लव यू बोल पाता था। उसका तरीका था कि एक लेटर लिखता था, प्रेम पत्र, और उसके बुक में डालता था। उसको पहुंचने तक 2 महीने 4 महीने लग जाते थे, उसकी शादी तय हो जाती थी, वो किसी और की हो जाती थी। आज जब से सोशल मीडिया स्ट्रांग हुआ है, तो आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इस पर ईजिली लड़की और लड़की एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। जब वो फिजिकल होते हैं या मिलना जुलना शुरू होता है, तब आ जाती है बीच में फैमिली, फैमिली से बड़ा आ जाता है समाज, तो वहाँ से तकलीफ होना शुरू होता है। तो इस मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से इसमें कहा गया है कि आप अपनी सोच को बदलिए। आप भी किसी ज़माने में उस एज से गुजरे हैं, आपके अंदर भी दिल था, आप भी कभी किसी प्यार किए होंगे। तो जब प्यार आप करते हैं तो उसमें जात पात मत पूछिए। आप किसी लड़की को बुलाते हैं, कॉल गर्ल को, आप उससे जात पूछते हैं क्या? फिजिकल जब उससे होते हैं तो प्यार में आप जात क्यों पूछ रहे हैं सर? कुमुद मिश्रा, संजय मिश्रा, गिरीश कुलकर्णी, जिमी शेरगिल, ऐसे जब एक्टर हैं, इतने वेटरन्स हैं, भारत ही हैं एक्टिंग में, एंड देन यू हैव समवन लाइक भावेश कुमार हू इज वेरी यंग, तो इन सब यूनिट को जेल करवाना और उनसे काम करवाना, उनसे परफॉर्मेंसेस एक्सट्रैक्ट करना, ये एक्सपीरियंस कैसे रहता है एज अ डायरेक्टर? मैं इससे पहले भी 2-3 फिल्में बना चुका हूँ और काफ़ी अच्छे एक्टरों के साथ काम किया हूँ। और मेरी पहली फिल्म थी मुक्ता आर्ट्स की, सुभाष गई जी ने प्रोड्यूस किया था। उसके बाद से मेरी एक फिल्म थी ग्लोबल बाबा, जिसमें पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, अभिमन्यु सिंह काफ़ी लोग थे। फिर इससे पहले एक फिल्म आई थी घायल वंस अगेन, सनी सर की, उसका मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था। एज एसोसिएट डायरेक्टर मैंने 200 फिल्में की हैं, जिसमें काफ़ी स्टार और काफ़ी लोग रहे हैं, इंडियन चैम्पियन, दिलगी सहित काफ़ी फिल्में हैं। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं था। और सबसे अच्छी बात है कि आपने अपने स्क्रिप्ट पे प्री प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा काम किया है, आपका विजन बहुत अच्छा है और बहुत क्लियर है, तो सेट पे आपको तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ वो हो जाती है कि 20 दिन में आपने स्क्रिप्ट बना लिया, एक्टरों को सुना दिया, सेट पे चले गए, तब आप विजन आपके क्लियर नहीं है। आपने सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, तो आपका काम बहुत स्मूथ होता है। और मेरी पिक्चर की जो शूटिंग की प्लानिंग थी, उसे 2 दिन पहले मैंने शूटिंग खत्म किया है और सबने उसमें सहयोग किया। क्यों? देखते हैं सेट के ऊपर डायरेक्टर क्लियर है, हर एक एक्टर क्लियर है, सब विजन क्लियर है, तो प्रॉब्लम नहीं आती है। And various other projects. Mm-hmm. So, what was it like bringing all those skills on paper for this one? Like इससे पहले workshops मैंने कर रखी हैं, but as a like Bollywood stream की एक main stream की film कह सकते हैं आप, वो बिल्कुल ही एक नया experience था, because आपको ये जो result है वो पूरी इंडिया देखेगी, जो आप फिल्म में जो एक्टिंग करेंगे वो एक पूरी इंडिया देखेगी। इससे पहले सो मैंने वर्कशॉप्स कर रखी थी सर, जो आपके FTI में हमारी होती हैं, क्लासेस होती, रिहर्सल्स, एंड उसकी भी काफ़ी प्रिपरेशन की थी। सो ये बिल्कुल ही एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। क्या आखिर में मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को? फिल्म रिलीज हो रही है 18th of October को, तो फाइनल मैसेज आपका क्या होगा ऑडियंस के लिए? ऑडियंस को हमेशा एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए होती है। जब सिनेमा में आते हैं और देख के जाते हैं, तो बाहर निकलने के बाद बोलते हैं यार कहानी अच्छी नहीं थी, तो इसमें उनको एक अच्छी कहानी देखने को मिलेगी जिसमें वो रिलेट करेंगे, चाहे जिस भी एज ग्रुप के होंगे, वो 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, या 20 के हैं, या 22 के हैं, क्योंकि हर घर की एक कहानी है। रोमांस, प्यार सबके साथ जुड़ा हुआ है और हर तरीके से जुड़ा हुआ है, तो एक तो उनकी कहानी लगेगी और इससे काफ़ी कुछ सोच में बदलाव आएगा। ये बनाने के पीछे ये मेरी कोशिश है कि लोगों को जितना सोच में हल्का सा ही बदलाव आता है तो मेरे लिए जीत है। इसलिए मैं चाहूँगा कि 18 अक्टूबर को आप लोग ज़रूर एक फिल्म को देखें, और फिल्म देखने के बाद आप निराश होकर नहीं जाएंगे, इनके आप इसके साथ ज़रूर कुछ ले करके जाएंगे। थैंक यू। और इसी के साथ मैं एक रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा ऑडियंस से कि मैं एक नया एक्टर हूँ, सो प्लीज़ नए एक्टरों को एक चांस दीजिए, प्लीज़ एक मौका दीजिए, हमारी फिल्में देखिए, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ तालियां बजाइए, नहीं तो हमारी कमी बताइए, क्योंकि एक नया एक्टर ही एक नया सिनेमा ला सकता है। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फिल्म को देखिए। थैंक यू। थैंक यू।